हेलो एवरीवन, आई एम अटल सलमान, वेलकम टू माई चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे। ये आपका पेपर 5 का ही है, ओके। एंड री एनालिसिस का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2016 और 2018 में, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चन क्या है। एंड द क्वेश्चन इज एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड एक्स वाई एट द ओरिजिन। आपको जो फंक्शन गिवन है इसका ओरिजिन पे चेक करनी है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। डिफरेंस होने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होगी, एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई चेक करोगे, फाइनल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इक्वल है डिफरेंसिबल, जिसके लिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो वहीं पे रुक जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। चलो अब बताइए आपको गिवन क्या है। सिंस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड ऑफ एक्स वाई, क्लियर। अब बताइए गिवन है आपको, तो अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है। नाउ एफ ऑफ एक्स एट 0,0, तो बताइए एफ ऑफ एक्स 0,0 क्या हो जाएगा। ये इट विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा ये 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन, ये हो जाएगी आपकी नीचे में h, ठीक है। अब बताइए एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया आपका, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ h कॉमा 0 हो गया 0 माइनस 0 अपॉन एच, ये हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 बाय एच, दैट इज 0 आ गया आपका। सिमिलरली आप बताइए उसी तरह से वैल्यू इसका फाइंड करोगे किसका, ऑल्सो जैसे यहाँ एफ एक्स फाइंड किया तो आपको क्या फाइंड करनी है एफ वाई, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई एट 0,0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एच की जगह पे आप क्या आ जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 0,0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन में आप क्या आ गया k, क्लियर। जब वहीं से आया आपका 0 प्लस k कहाँ पर y वाले पे आएगा, अब बताइए क्या हो गया आपका, इम्प्लाइज एफ ऑफ y इट इज लिमिट k टेंड्स टू 0, ओके यहाँ पे m है लिमिट के टेंस से 0, बताइए ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन k, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया लिमिट ऑफ k टेंस टू 0 0 बाई k, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0, ठीक है। अब बताइए अब क्या लिखोगे आप उधर, इसको तो काम है ही नहीं, चलो हटाओ। अब दोनों की वैल्यू बताइए क्या आ गई, इक्वल, जो कि 0 है, मतलब तो क्या लिखोगे, सो एफ एक्स और क्या एफ वाई भी निकाल लो, एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट हैविंग वैल्यू कितनी है, इक्वल वैल्यू, तो इक्वल टू 0। एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करेगा तो मीन्स आप आगे बढ़ोगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब आते हैं आपका फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करने के लिए अब कंडीशन क्या क्या है सो बताइए पहले। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो अगर फंक्शन है आपका, देखिए इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0,0, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है उसके डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी we may easily
राइट एज। अब बताइए वहाँ पे आप डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो? देखो इट इज़ एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच ज़ीरो प्लस के इज माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए एच प्लस बी के प्लस ए बी के बाद आएगा आपका क्या हो गया इट इज़ एच फाइव एच के प्लस के साई क्या हो जाएगा आपका एच के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी में आगे बढ़िए आपका। अब यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होगी आपको ए क्या है आपका बी क्या है और एच और ये, तो क्या लिखोगे ना वेयर स्पेसिफाई कर दीजिए वेयर ए। अब बताइए आपका क्या है, तो ए इज़ एफ एक्स एट ज़ीरो कमा ज़ीरो एंड बी आपका क्या है एफ वाई एट ज़ीरो कमा ज़ीरो, ठीक है। और ऑल्सो एक और बात, ये जो था लिमिट ये भी वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो के टेंस टू ज़ीरो फाई ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो के टेंस टू ज़ीरो अब यहाँ साई ऑफ एच कॉमा के इसकी वैल्यू क्या है ज़ीरो, ठीक है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। इस वाला पार्ट को नोट कर लो, इसको इरेज कर। हाँ जी उधर का नोट कर लिया, चलो अब बताइए यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिया, अब बताइए आगे वैल्यू उसका पुट कीजिएगा तो वहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी। इक्वेशन नंबर यहाँ देखो फर्स्ट से अब बताइए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ज़ीरो पे है तो ज़ीरो हो गया, एच ऑफ साई ये सेम ही रहेगा तब क्या हो जाएगा इम्प्लाइज अब ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ एच के माइनस क्या हो गया यहाँ पे ये एफ ज़ीरो 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 हो गया और ए की वैल्यू कितनी आई है एफ ऑफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो निकाले हो ज़ीरो वैल्यू आई है तो बताइए ये क्या हो जाएगा ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो और बच गया कौन फिर एच ऑफ साई एच कोमा के फिर के साई एच कोमा के ये आपका एज इट इज बचेगा तो क्या हो जाएगा देखो एच ऑफ साई एच कोमा के फाई एच कोमा के सॉरी एंड इट इज के ऑफ साई एच कोमा के, ठीक है, के साई था यही वाला सेम ये तो ए ज़ीरो बी की वैल्यू ज़ीरो एच फाई एच कोमा के फिर के एस आई एच कोमा के तो उसी की वैल्यू थी क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ये दोनों इक्वल है अभी लिमिट अभी लिए नहीं है लिमिट भी लेना पड़ेगा क्योंकि लिमिट निकालो तो ही आपको चेक करनी पड़ेगी चेक ही होगी अगर डिफरेंशियबल है या फिर नहीं। यहाँ तक आगे अब थोड़ा सा देखिए अब इम्प्लाइज एफ ऑफ एच कोमा के क्या हो गया आपका ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये हो गया एच कोमा के ये आपका हो गया के एस आई। अब बताइए यहाँ से एफ ऑफ एच के की वैल्यू क्या आ गई एच फाई एच कॉमा के ये क्या हो गया के इंटू साई ऑफ एच के। अब यहाँ पे एक बात बताइए एफ ऑफ एच के की वैल्यू कितनी है देखा एक्स वाई है तो रूट मॉड एक्स वाई और एच के है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसके जगह पे आप लिख सकते हो उसी में रूट ऑफ एच के का मॉडुलस क्योंकि यहाँ देखो जैसे ये तो गिवन ही है आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या है रूट मॉड एक्स वाई तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच के रूट ऑफ एच के मॉड में। अब ये आपका एज इट इज सेम है इधर वाला वैल्यू तो क्या हो गया एच ऑफ एच कॉमा के प्लस के साई, ठीक है। अब दोनों तरफ आपको लेनी है लिमिट तब क्या करेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स वी गेट आप लिमिट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, के टेंस टू ज़ीरो ये हो गया एच के मॉडुलस रूट
और इधर आपका क्या हो गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो के टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो गया एच साई ऑफ एच के प्लस के फाई ऑफ एच के और के ऑफ क्या हो गया एच के। एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं फाई और इसको बोलते हैं साई, ठीक है। ये दोनों सिंबल बस याद रखिएगा, यूज पे इसमें पड़ेगा ही। तो अब बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इम्प्लाइज, थोड़ा सा आढ़ इंच करोगे तो ये आपका क्या हो गया लिमिट। अब इसको आप इक्वेशन नंबर अलग अलग आप दोनों तरफ एक चीज़ के देखो, एच यहाँ पे इनटू में है तो एच से क्या करते हैं डिवाइड। अब क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच वी गेट। अब बताइए एच से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा, नोट कर लिया। चलिए हाँ जी डिवाइड करिए, देखिए वैल्यू आगे क्या आती है आपकी। चलो आगे बढ़ते, अब वहाँ एच से डिवाइड करनी थी तो बताइए एच आपका चला जाएगा इसमें नीचे, तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज। एच से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलस तो वही रहेगा, तो इम्प्लाइज लिमिट एच कॉमा के टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो। अच्छा इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो एच और के वैल्यू टेन कर रखा, हाँ ज़ीरो पे। अब बताइए ऊपर में मॉड जो है मॉड ऑफ एच के इसका होल पावर लिख सकते हो वन बाई टू, नीचे में एच से आप डिवाइड किए हो ये रहा, ये एच है भाई यहाँ पे, क्लियर। क्योंकि वहाँ पे देखो मॉडुलस गिवन है यहाँ पे और नीचे में क्या आ गया आपका एच, तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो एच के को, चलो ऐसे सिंपल रहेगा। अब बताइए आर एच एस की वैल्यू देखिए इस वाले टर्म में, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा लिमिट ऑफ एच कॉमा के ज़ीरो टू ज़ीरो। अब इधर देखिए यहाँ से एच आपका कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिर्फ फाई फाई ऑफ प्लस, अब यहाँ पे के अपॉन क्या हो जाएगा एच, क्योंकि एच से आप क्या की हो डिवाइड, यहाँ से आपका क्या हो गया के अपॉन एच इंटू ये, तो वैसे ही आपका साई ऑफ एच कॉमा के। अब अपॉन में क्या लोगे बताओ, अपॉन में यहाँ होगा ना ऑलरेडी आप डिवाइड कर चुके, तो अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए इसी तरह से यहाँ से ही आया था ये। अब इस लिमिट में कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है, जैसे हम लोग करते थे वाई को सेम एस पुट करते थे चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप बताइए वाई तो नहीं, यहाँ पे आपका क्या है देखो वाई का जो आप यहाँ पे क्या है के को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे नाउ पुटिंग के इक्वल्स टू, वहाँ पे वाई था तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स ऐसे कुछ करते थे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, यहाँ पे के इक्वल्स टू एम एक्स मिलता जुलता दिख रहा है। जैसे हम देखो वाई के जब यहाँ पर के है तो के इक्वल्स टू एम एच पुट करेंगे, पुटिंग के इक्वल्स टू एम एच, एम एच के यहाँ पर पुट करोगे किस में सेकेंड में, तो एम एच इन सेकेंड देन वी गेट क्या मिलता भाई देखो। हाँ जी तो चलिए आगे के क्वेश्चन पूछ कीजिएगा, तो ये तो आपका हो गया इम्प्लाइज लिमिट ऑफ एच टेंस एच के टेंस टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया एम एच इंटू एच का पावर वन बाई टू अपॉन में आ गया आपका एच, ठीक है। अब इस तरफ बताइए क्या होगी वैल्यू आर एच एस में, ठीक है इधर आता है तो इट विल बी लिमिट ऑफ एच कॉमा के टेंस टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए इधर वाला पार्ट, ये जो आपका है के को एम एच पुट किया होना यहाँ पे, तो ये आपको क्या आ जाएगा सिंपली एम टू द पावर इंटू एच स्क्वायर टू द पावर वन बाय टू। तब बताइए ये वाला पार्ट कितना हो गया
एम डॉट एच स्क्वायर टू दी पावर 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई सिंपल, लिमिट नीचे लिखो, लिमिट ऑफ एच कॉमा के टेंस टू 0 0 एम टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले इसको ध्यान से एक बार देखिए। अब बताइए यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आप निकाले यहाँ से 0 0, तो यहाँ पे एम एच ठीक है पुट किए तो सब्स्टिट्यूशन दिए, ये आपका क्या हो गया एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का पावर 1/2, ये तो आपका एच गया 0 में, अब एच टेंड कर रहा है 0 में, तो अब एम की पावर क्या 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब एक बात बताइए यहाँ पे जो वैल्यू आई है एच के वजह से 0 हुआ, अब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आपका फिक्स है, एम की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, एम की वैल्यू यहाँ तो होगा कुछ भी, जिसके वजह से आपका क्या होगा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल, यहाँ पर आप लिखोगे क्या इक्वल टू 0, आप लिखोगे विच इज नॉट ट्रू, ये 0 होगा ये ट्रू नहीं है, क्योंकि एम की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकता है, ट्रू नहीं है थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्यों नहीं होगा, तो रीज़न दे दोगे बिकॉज एम मे हैव एनी वैल्यू, ठीक है एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है सो फंक्शन क्या होगा, सो एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, तो एट ओरिजिन, ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।